वहीं आगरा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होंगी। प्रियंका गांधी के चेहरे पर पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी, तो वहीं चुनाव में किसी अन्य दल से गठबंधन की बात को कांग्रेस नेता ने नकार दिया। खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं कई नेताओं को बगावती असुरों को देखते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी रूठों को मनाएगी। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं, और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन मैं या लखनऊ में बैठकर हिसाब कर रहे होते कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, जहाँ गठबंधन। और विशाल मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। विशाल, सक्रियता तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है प्रियंका गांधी की। रायबरेली दौरे का दूसरा दिन है, तो वहीं सलमान खुर्शीद ने भी साफ कर दिया कि लीडरशिप नेतृत्व तो प्रियंका गांधी का ही रहेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप तमाम जो बैठकें हैं या जो तमाम निर्देश हैं उनके अनुसार अगर आप देखिए तो बिल्कुल साफ है कि लीडरशिप उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के चेहरे के तौर पर ही कांग्रेस रखेगी, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करेगी। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने पहले लखनऊ में लगातार मैराथन बैठक की, उसके बाद कल रायबरेली में उन्होंने लगातार मैराथन बैठक की, कल देर रात वो अमेठी भी गई, वहाँ पर भी तमाम लोगों से मुलाकात की। इसके साथ साथ आज भी मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। रायबरेली के भूमि गेस्ट हाउस पर में जो है प्रियंका गांधी रुकी हुई है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ कि अभी से फिलहाल कुछ देर के बाद जो तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और चूंकि इसी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया है प्रियंका गांधी ने, तो माना जा रहा है कि आज करीब एक से डेढ़ घंटे यहाँ पर रहने के बाद वो लखनऊ रवाना होंगी, और लखनऊ के बाद दिल्ली, जो अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम है। हालांकि इस दौरान ये भी कुछ खबरें आई थी, कुछ लोगों से मुलाकात करने के लिए वो जो है उनके इलाके में जा सकती हैं, इस तरह की बातें भी हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है, कैसे अपने गढ़ को फिर से जो है दोबारा मजबूत करना है। चूंकि लगातार अगर आप देखिए तो रायबरेली और अमेठी जो दो गढ़ हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा दरक चुके हैं। जो पुराने कांग्रेसी नेता थे वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों को लेकर भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने कल भी बहुत स्पष्ट कहा, बिल्कुल विशाल, चुनौतियाँ कई सारी और इन्हीं चुनौतियों को पाटने की कोशिश भी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।